में जिस तरह से निजीकरण कर दिया जा रहा है, जिस तरह से आपका सरकारी संपत्ति को बेचा जा रहा है, जिस तरह से आपका उद्योगपति लोगों के हाथ में देश चला जा रहा है, ऐसे समय में हमारे देश के राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और 3500 दिन वो पैदल पूरा चलने का काम करेंगे। इस परिस्थिति में आप सभी लोगों को, हमारे नौजवानों को हम कहना चाहेंगे कि ये जो राज्य का विकास, राज्य की चीजें आपके कदमों पर टिका हुआ है, हमारे नौजवान लोगों को समझना होगा। विशेष कर आपको हम किस चीजों को कहते हैं कि एमएलए एमपी जरूर होता है, कोई आपका नेता सब नहीं होता है, इस बात को समझना। मैं लगातार इस बात को लड़ते लड़ते आज का दिन में मैं करने वाला, आपको मालूम होगा कि मैंने राजनीति 1937 का खतियान को शुरू करने का बात चानों से ही किया था, इस बात को याद करो। शुरू में जब हमने राजनीति करने के लिए आया तो यही चानों से ही इसी बात को किया था और अकेला ही 1937 को बोलते बोलते 6 बार मुझे जेल जाना पड़ा, आपको मालूम होगा 6 बार जेल जाना पड़ा इसी को लेकर के, और एक बार आंदोलन इतना बड़ा हुआ था कि रांची का डीसी देखते ही गोली मारने का आदेश मेरे ऊपर दिया था, ये जग जाहिर है, इस बात को भी आपको जानना चाहिए। और आज इस सरकार में स्थानीय नीति कैबिनेट से पारित हो गया है, आने वाला दिन में अगर कैबिनेट से ये पारित हो गया और कानून बन जाता है तो यहाँ के हमारे राज्य के लोगों को इसका लाभ मिलेगा, हमारे राज्य के लोगों को नौकरी चाकरी मिलेगा। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहूंगा,